वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने काबिनी ज़ैली कमेटी को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द बंद निज़ाम शुगर फैक्ट्री की बहाली के बारे में जामे रिपोर्ट पेश करें। कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटेरिएट में हुआ। शुगर फैक्ट्री की बहाली कमेटी के चेयरमैन वज़ीर श्रीधर बाबू के साथ वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, MLA सुदर्शन रेड्डी, रोहित राव, अल्लूरी लक्ष्मण कुमार और दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। उन्होंने बोधन और मतियमपेट में बंद शुगर फैक्ट्रियों से मुतालिक पुराने बकायाजात और माली मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुतालिक इलाकों के गन्ने के काश्तकारों की ज़रूरियात और मौजूदा कामयाबी व तकालीफ पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि BRS के 10 साल दौर हुकूमत में ही तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उन्होंने काबिनी रुफ़का उत्तम कुमार रेड्डी, कोंडा सुरेखा और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BRS कायदीन बिलखसूस हरीश राव और तारक राम राव की जानब से कांग्रेस हुकूमत पर लगाए जाने वाले इन इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को रियासत के आपाशी प्रोजेक्ट्स हवाले करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रिवर बोर्ड को आपाशी प्रोजेक्ट हवाले कर देने के मामले में BRS पार्टी गलत तशहीर कर रही है। उन्होंने कहा कि BRS दौर में ही यहाँ के आपाशी प्रोजेक्ट्स मरकज के हवाले कर दिए गए हैं। उस वक्त हरीश राव ही वजीर आपाशी थे और अब कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम प्रोजेक्ट्स को मरकज के हवाले कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ఈరోజు మంత్రివర్గ సమావేశం అవుతుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎప్పటి నుంచి ఉంటాయో సాయంత్రం వరకు మీకు చెప్తాము. అసెంబ్లీ సమావేశాలల్లా వైట్ పేపర్ ప్రాజెక్టుల మీద రిలీజ్ చేస్తాం, ప్రాజెక్టుల హ్యాండ్ ఓవర్ మీద చర్చ పెడతాం. 48 గంటలు నువ్వు కోరుకుంటే ఇంకెక్కువ కావాలన్నా, తలుపులు మూద్దాం, భోజనాలు అక్కడనే పెడతాం, బట్టలు తెచ్చుకో, మేము వస్తాం. మామ అల్లుడు మీరిద్దరు రాండి, లేకపోతే ఎంబడి కొడుకుని తెచ్చుకోరు, అవతలి మీ బిడ్డు ఉంటే ఆమెను కూడా ఉమ్మడి సమావేశాలు పెడతాం. ఒకవేళ చర్చ చేద్దామంటే శాసన మండలి శాసనసభ ఉమ్మడి సమావేశాలు ప్రత్యేకంగా ప్రాజెక్టుల మీద జలాల మీద చర్చ పెడతాము. మాకెవ్వరు లేరు, నేను మా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇద్దరమే మాట్లాడతాం. సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా వారు మాట్లాడతారు, ముఖ్యమంత్రిగా నేను మాట్లాడతా. చంద్రశేఖరరావు, హరీష్ రావు, తారక రామారావు, కవితారావు, నలుగురు మీరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు అలచిపోకుంటే ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడదాం, చర్చ చేద్దాం. साबिक वज़ीर आला व BRS सरबरा चंद्रशेखर राव ने नंदीगिरी में वाक़ अपनी ख़यामगा पर साबिक वज़रा के साथ दरिया कृष्णा के प्रोजेक्ट्स की मरकज़ को हवालगी के मसले पर एक जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में BRS ने कांग्रेस हुकूमत के मुखालिफ किसान फैसलों बशमूल दरिया कृष्णा के प्रोजेक्ट्स नागार्जुना सागर श्रीसैलम को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने की शदीद मजम्मत की। रियासती काबिना का इजलास वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर को TS के बजाय TG करने से मुतालिक काबिना ने मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मरकजी हुकूमत ने गजट में TG को मंजूरी दी थी, लेकिन BRS हुकूमत ने इसे TS कर दिया। इस तरह BRS हुकूमत ने कई गलत फैसले किए थे। साबिक वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में असम्बली में मुबाहस के चैलेंज को कबूल कर लिया। उन्होंने BRS पार्टी के कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कबल अज़ीं इसी असम्बली में KCR की जानिब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करने पर उस वक्त की अपोजिशन कांग्रेस ने राह फरार इख्तियार की थी और कहा था कि वो प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं है।
ఏదో అసెంబ్లీలో చేర్చబెట్ట మాట ఎస్ వి ఆర్ రెడీ నువ్వు ఎప్పుడు పెట్టవో పెట్టు నీ దిమ్మది రేటట్టు అసెంబ్లీలో సమాధానం చెప్తాం బిడ్డ గతంలో మా కేసీఆర్ గారు ఇదే అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ పెడితే మేము ప్రిపేర్ కాలేదని ముఖం చాటేసి పారిపోయింది నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బట్ మేము అట్లా పారిపోం నీ దిమ్మ తిరిగే సమాధానం చెప్తాం మేము తయారుగా ఉన్నాం నువ్వు చేసిన తప్పును తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టు అసెంబ్లీ సాక్షిగా నీ సంగతి ఏందో బయట పెడతామని చెప్పి మనం చేస్తాం कैंसर डे के सिलसिले में साइकिल रैली निकाली गई। कच्ची बोली साइकिल ट्रैक के करीब ये रैली निकाली गई जिसमें आईटी के कई मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम में फिटनेस और सेहत पर तवज्जो देने के सिलसिले में भी शऊर बेदार किया और दफातर को बाइक्स के बजाय साइकिल पर जाने का मशवरा दिया। रंगारेड्डी जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रवीण ने कहा है कि बाइक सवार लाजमी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए खसूसी इकदाम किए जाएंगे। हेलमेट के इस्तेमाल पर बेदारी प्रोग्राम के सिलसिले में बाइक रैली को उन्होंने झंडी दिखाई। बिहार के मजलिसी रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कितनी ही बेहुदा और इश्तियाल अंगेज बातें कही जा रही हैं, इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लेकिन मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता है ना। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कितनी कितनी भद्दी भद्दी बातें की जा रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो हमारे धर्म गुरु हैं, मुमकिन है कुछ बातें उसने कही होंगी, कभी आदमी की जबान फिसल जाती है, लेकिन जहां तक मुझे मामला है कि मुफ्ती जी ने कोई गलत बात नहीं की होगी और अदालत गवाह है कि हमारे लोगों को बेकसूरी तौर पर एटीएस के लोगों ने उठाया है, टाटा में गिरफ्तार किया गया, पोटा में गिरफ्तार किया गया है, 12 साल तक उसकी जवानी बर्बाद कर दी गई है, अदालत में कोई सबूत नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब का मामला भी कुछ इस तरह का ही हमको समझना। नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर नंदी कुंडा बल्दी हदूद में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। हिल कॉलोनी के हदूद में ये गैर मजाज तामीरात की गई थी। अहदेदारों ने इंतबाह दिया कि सरकारी अराजियात पर गैर मजाज तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन ने अहमद कॉलोनी में NP2 पाइपलाइन के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने बल्दी अहदेदारों के साथ अहमद कॉलोनी, मोती दरवाज़ा और दीगर इलाकों में इन कामों की पेशरफ्त का तफसीली मुआयना किया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायात भी दी। बहादुरपुरा रोड पर एक आरटीसी बस का ब्रेक फेल होने से स्कूटर सवार खातून हलाक हो गई जबकि उनके शौहर शदीद जख्मी हो गए। किंग्स कॉलोनी के रहने वाले 55 साल अहमद मुहीउद्दीन अपनी बीवी 45 साल बुशरा फातिमा के साथ एक्टिवा पर जा रहे थे कि वनपर्ती से MGBS जाने वाली आरटीसी बस ने पीछे से उन्हें टक्कर दी थी, जिसके नतीजे में खातून बरसर मौका हलाक हो गई जबकि अहमद मुहीउद्दीन शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। इतला मिलते ही मजलिस के रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी अहमद मुहीउद्दीन की अयादत की। उन्होंने डॉक्टर से बातचीत भी की। आज दोपहर में एक सड़क का हादसा हुआ। किंग्स कॉलोनी के रहने वाले अहमद मुहीउद्दीन
पूछा बात न बोलते दोनों मीना बीवी एक्टिवा गाड़ी पर जा रहे थे। वन पट्टी से एक आधी की बस आ रही थी, ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और इसकी केला मिलते ही सदर मोहतरम मतलब मिला कला अध्यक्ष रसिदी की मुंशी साहब ने जना मोहम्मद मुबीन साहब एमएलए बहादुरपुरा के सॉरी वहां पर जाए और आज मैं और हमारे एमएलए साहब मिलकर उस्मानी हॉस्पिटल को आए और यहां पर भी आकर आरएमओ साहब से बात की और एमएल मुबीन साहब से इन्हें भी सीरियस है बहुत इनके इलाज के ताल्लुक से बात की गई और दूसरा फातिमा जो इनकी अहलिया है इस बात पर उनका इंतकाल हो चुका है। मार्चरी में इनकी डेड बॉडी को लेकर आए और बहादुरपुरा पीएसपी साहब से एमएलए साहब से पीएसपी जाकर बात करे और हम भी बात करें। फर्स्ट आवर में कल मॉर्निंग पुलिस का रिक्वायरमेंट देने से जल्द से जल्द पहला केस पोस्टमार्टम का कराकर देने के लिए हमें हिदायत दी गई खतरे मोहतरम और मल्ली सत्या हाजिर मुस्लिम हमेशा 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती है। आज ये वाकया होते ही खतरे मोहतरम की हिदायत के ऊपर इस बात के ऊपर जना मोहम्मद मुबीन साहब पहुंच गए थे और वहां से उनकी डेड बॉडी की दूसरा फातिमा की डेड बॉडी की फोन में मार्च तरीके में दखल किया गया और अभी कल सुबह में हम आएंगे यहाँ पर आकर जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराकर इनके अफराद खानदान को डेड बॉडी दी जाएगी और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नसीर मिल्लत अलहाज दर सरसुद्दीन मुंशी साहब को दी जाएगी। महाराष्ट्र के साबिक मजलिसी रुकने असेंबली वारिस पठान ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने दावा किया है कि उन्होंने किसी भी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं की और किसी के अकीदे को ठेस नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने अदलिया पर पूरा भरोसा जाहिर किया है और इंसाफ की तवक्को की है। उन्होंने साथ ही आवाम से अमन की बरकरारी की अपील की। सर आज आप ही खाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं, मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है यहाँ पर। गुजरात एटीएस आई थी जूनागढ़ में, कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, क्या जो है कहां लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में भी आया, जस्ट मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट, मैंने कुछ बोला है, बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर, तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा, मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हम आए, DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाए। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद 153B लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है, तो हम वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना, नोटिस दो हमको, पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा है, यकीन है, हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। अब वो पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है 41A का, हर बार होता है 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है,
और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है, मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को टेस्ट नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ाया। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने, तो वो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे अपराध किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये तो भड़काने वाले भाषण है। तो सबके धर्म में अभी हमारे यहाँ कितने लोग लगा रहे हैं आजकल भड़काऊ भाषण नारे लगा कर, तो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा को यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हजारों लोग फोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सबर करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा, और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिले। क्या लगता है आपको लीगल डिटेंशन किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से? आप देखिए जब उनको वहाँ पे गुजरात में पुलिस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो वकील लोग हैं वो तो बात रखेंगे अपनी वहाँ पर कोर्ट में, कोर्ट में रखी जाएगी बात। से लेह और लद्दाख में मोदी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। हजारों अफराद ने इस मौके पर बंद मनाया और सड़कों पर बड़े पैमाने पर शदीद एहतजाज करते हुए लेह और लद्दाख के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।